हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा कलरफुल आर्ट पीस। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस है। और इसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसे जरूर बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक पेज पर बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है और एक मिडल पॉइंट बनाना है। फिर हम एक राउंडर लेंगे और 10 सेंटीमीटर का उसका साइज लेंगे, और फिर उसे मिडल पॉइंट के साथ मैच करके एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। सर्कल हो जाने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर के डिजाइन बनाएंगे। यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए मैंने खुद के लिए लाइट ड्रॉ किया है। अब मैं उस पर डार्क ड्रॉ कर आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम एक फिश टाइप बनाएंगे। बॉडी हो जाने के बाद उसके बाद हमें टेल पर थोड़ा फोकस करना होगा। ऐसे एक वेवी लाइन बनाएंगे, फिर एक पॉइंटेड लाइन, और फिर कुछ ऐसी और वेवी लाइन बनाएंगे। अब हमारा फिश रेडी हो चुका है। अब हम कुछ और लाइन्स इसके ऊपर से ओवरलैप करेंगे, जैसे कि ये एक सेमी सर्कल हम बनाएंगे फिश के माउथ के साइड पर। नेक्स्ट हम कुछ और सेमी सर्कल्स बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे और वेवी लाइन से इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम इसे कलर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले लाइट ब्लू कलर लिया है, और उसे मैं इस फिश के माउथ साइड से लेकर जो सेकंड वाला एरिया है वहाँ करूँगी, और फिर थोड़ा डार्क शेड बनाकर उसके बॉडी पर कुछ पार्ट्स पर करूँगी, फिर और थोड़ा डार्क शेड बनाकर। आप डार्क शेड बनाने के लिए पर्शियन ब्लू या फिर ब्लैक या फिर कोबाल्ट ब्लू भी यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही मैं डार्क कलर्स बनाऊंगी, और फिर उन्हें इस फिश के ही डिफरेंट एरियाज पर कलर करूंगी। तो दोस्तों देखिए, जब मेरा पूरा फिश कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट हम जो बैकग्राउंड है उसे कलर करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर्पल कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर के शेड भी बना सकते हैं।
और हाँ, कुछ और शेड्स बनाने के लिए मैंने इसमें क्रिम्सन कलर भी मिक्स किया है। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ शेड्स कंप्लीट कर दिए हैं। एक मैंने क्रिम्सन कलर से किया है, फिर दूसरा मैंने लाइट क्रिम्सन कलर से किया है, फिर एक में मैंने पर्पल और क्रिम्सन कलर को मिक्स करके बनाया है। ऐसे भी आप दूसरे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इस छोटे से सेमी सर्कल को ऑरेंज, रेड और येलो कलर से कंप्लीट किया है। अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेड्स और टोन यूज किए हैं, और आपको भी वैसे ही शेड्स और टोन्स की मदद से इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। दोस्तों देखिए, एट द एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, और ये भी बताना कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।